आज मैं एक बुक सेलर की शॉप पे गया था, स्टेशनरी वाले की, बुक्स भी नहीं बेचते वो, स्टेशनरी मेनली बेचते हैं। तो मुझे बहुत दुख हुआ ये सुन के जब उन्होंने बताया कि ग्राहक ना के बराबर है उनके पास। स्कूल्स बंद होने का नुकसान केवल टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ को ही नहीं, स्कूल से जुड़े हुए हर पेशे से जुड़े हर व्यक्ति को हुआ है, फिर वो चाहे स्टेशनरी वाले हों, बेचने वाले हों, या मैन्युफैक्चरर्स भी हों। आप बिलीव नहीं करोगे, उन्होंने मुझे ये बोला कि जो हमारे पास सेल्समैन आते हैं कंपनीज के, नटराज वगैरह के, बुक्स और स्टेशनरी बेचते हैं, उनके ऊपर इतना प्रेशर है कि उनको भी नौकरी जाने का खतरा है, क्योंकि उनके सेल्स के टारगेट पूरे नहीं हो रहे। और जो कंपनी वाले हैं उन्होंने ये बोल रखा है उनको कि अगर आपसे शॉपकीपर्स ये सामान नहीं खरीद रहे हैं स्टेशनरी, तो आप ऐसा करो सभी दुकानों के बाहर कैनोपी लगाकर, स्टॉल लगाकर खुद बैठ जाओ और वहाँ पे स्टेशनरी वगैरह बेचो। ये हालात आ गई हैं, अब उनकी भी नौकरी जाने के खतरे हो गए हैं। अभी यही बस नहीं होती है, जो मैन्युफैक्चरर हैं, जो बनाने वाले हैं, उनके पास स्टॉक इकट्ठा हो चुका है बहुत सारा। अब वो स्टॉक इकट्ठा होने की वजह से, क्योंकि आगे उनका स्टॉक सेल नहीं हो रहा, उनको डिमांड नहीं आ रही है, उन्होंने नया स्टॉक बनाना बंद कर दिया है। तो नया स्टॉक जो बनाना बंद किया है उसका नुकसान डायरेक्ट किसको हो रहा है? उन वर्कर्स को जो वो स्टॉक बनाते थे इन सभी मैन्युफैक्चरर्स के लिए, उन वर्कर्स की भी जॉब्स चली गई हैं या सैलरीज रोक दी गई हैं या रिड्यूस कर दी गई हैं। यही हाल यूनिफॉर्म वालों का है, यही हाल स्कूल से जुड़ी हर एक चीज़ बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स का है, चाहे वो टिफ़िन बनाते हों या वाटर बॉटल्स बनाते हों या यूनिफॉर्म के आर्टिकल्स बनाते हों या शूज़ बनाते हों, सॉक्स बनाते हों, स्टेशनरी का कोई भी सामान बनाते हों। बुरी हालत है इस समय सभी एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों की, सारा स्टॉक पाइलअप हो चुका है। टीचर्स दुखी हैं, नॉन टीचिंग स्टाफ दुखी है, सपोर्ट स्टाफ दुखी है, ये सारे मैन्युफैक्चरर्स दुखी हैं, उनके सेल्समैन दुखी हैं, उनके वर्कर्स दुखी हैं, करोड़ों लोग इस समय बेरोजगार हो चुके हैं या बेरोजगारी की कगार पर हैं। इनमें से करोड़ों नहीं तो लाखों के घरों में तो डेफिनेटली आज की डेट में चूल्हा जलाने का संकट है। क्या खाएं, क्या बनाएं, क्या बच्चों को खिलाएं, ये चिंता हर किसी को सताती जा रही है। अभी भी समय है, जागिए, कुछ सोचिए। इतने करोड़ों लोगों को एकदम से सड़क पर ला देना सही नहीं है।